वेलकम बैक दोस्तों, तो स्वागत है आपका शाम को और हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए। ये मैं हूँ और ये है दुल्हन का भैया। अभी इनकम्प्लीट है और सरप्राइज भी है, तो देखते रहिए, बने रहिए व्लॉग में। बाकी हम ऐश खा के ऐश करने जा रहे हैं। बस ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, वो बुरा ही नहीं है। ना ब्लैक बढ़िया लग रहा भाई। लेकिन जो सरप्राइज है उसके आगे नहीं लग रहा ना फिर। ये तो है, जब स्टार्टिंग में मैंने भी देखा था ब्लैक बढ़िया लग रहा था, लेकिन जो इसने कुछ अलग करके दिखाया तो वो बढ़िया लग रहा था। उसके आगे मुझे फीका फीका सा लग रहा है। बाकी ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो हम अब जाने के लिए हो गए हैं रेडी और तो निकलते हैं जी, मिलते हैं आपको आगे। मैं खाना खा रही हूँ। अच्छा, क्या देख रहे हो आप? क्या क्या ठीक है? लिपस्टिक ठीक है। लिपस्टिक ठीक है? लिपस्टिक खराब हो गई आपकी, देख लो। सही में खराब होगी। हट गई है, देखो यहाँ से लेयर हट गई है लिपस्टिक की, देखो हट गई है ना, इधर इधर से लेयर हट गई है। वो तो थोड़ी बहुत खाने पे हटती है। अभी कहीं नहीं हटती है। कैसे कैसे क्या कह रही है? ये आपको आपके सामने भैया दिख रहे हैं, ये मेरी जान मुझ के बेइज्जती कर रहे हैं। ओ, YouTube पे इज्जत है आपकी। क्या होगी तुम्हारी? सारा सामान मुझे पकड़ा रहा है, गाइस आप देख ही रहे हो। खवा दे यार, हमें भी खवा दे। देखो मेरी साड़ी का डब्बा। झूठ बोल रही है, थोड़ी सी देर के लिए अभी उठाया है यहाँ से। इसने YouTube पे आने के लिए थोड़ी सी सामान उठाया, ठीक है, झूठ बोल रही है। बाकी मैं जब छोटी थी ना, बहुत अब से भी ज्यादा चलाती। अच्छा, सारी बातें सुनी। अब तो बड़ी हो गई है। देखो जो आप मेरे को मोटी मोटी बोल रहे ना, पता खुल गया, गुब्बारे की तरह फूल गया, फूल गया। देख लो मैं कितना पतला सा हूं। और इसे देखो, ये ना आपको ना अपना फेस और अपना गला दिखा रहे हैं और कुछ नहीं दिखा रहे, वैसे इनका पेट बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। गाइस आजकल पतले हो गए, पतले लोग पे कुछ नहीं दिखते, मैं तो मोटे हो गए, मोटे लोग पे बहुत चीज नहीं दिखती। ये देख रहे गाइस, नानी आ गई, नानी हमारी, ये हमारे मामा जी आ गए। थाली पकड़ो अपनी। ये हमारे मामा जी आ गए, मामा जी। अरे अब मेरी नाक पे मेकअप लगा हुआ है। गाइस देख रहे सब एक दूसरे को हेलो कर रहे हैं। हेलो विशाल मामू। हाँ जी हेलो, मैं इसका मामू। ये मेरी प्यारी सी भांजी, स्वीट सी भांजी। बाय बोलो। हाय नी हाय। हेलो हेलो भांजी। यार मेरा सामान है जो मैं मंडक के वक्त बदलूंगी। Thank you.
एक नंबर आपका रिव्यू बहुत प्यारा। आप मैं जी बिगर बुलाया आया मुझे। तो गाइस ये पहला बंदा जो बिना बुलाया आया। शादी में इसका कोई मतलब नहीं था, पता नहीं लड़की की तरफ से लड़कों की तरफ से है। देखो इसको, मैं हूँ खाने की तरफ से। देखते हैं थोड़ी देर घूमते हैं। और खाना वाना तो थोड़ा बहुत ही खाया, इतना खाया नहीं गया, बाकी सब अंदर बिजी हैं और हम दो चार भाई बाहर हैं। अरे चल, मैं और तू चल रहे हैं, ये नहीं जा रहा क्या? तो हम अब खा रहे हैं दिल खुश आइसक्रीम, है ना? दिल खुश कर देते हैं भैया। दिल खुश आइसक्रीम है, दिल खुश आइसक्रीम 15 15 बेइज्जती करता है ये देखो कैसे पूरा तुम खा गए और बच्चों को आधा आधा दे रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। पहले मैंने पहले भी दी थी, गियर दी थी उसमें। हाँ ध्यान से देखिए इसे, आइसक्रीम खा रहे हैं। करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। ये उल्टा मत बोलिए। ये पंजाबी गुजर, ये लूजर।
यादव है देखा दे अखिलेश यादव है ये चाइना का फोन है देखो अरे सैम सैम ये रहा सैम ये रहा सैम क्या है ये वीडियो है कटिंग दे उसको बॉडी में ये रे ये हवाबाज भाई साहब प्रस्ताव बोल रहा था अरे यूट्यूब चैनल पे तुम्हारे लाइक आएंगे अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल लाइक करो फॉलो करो प्लीज लाइक करो यार प्लीज लाइक करो भाई के चैनल को प्लीज लाइक करो इधर हवाबाज लाइक देखो गाइस मैंने कितने सारे फूल इकट्ठे करे यार फूल तो गाइस ये फूल थे और बाकी पत्ते हैं गाइस पूरी टोकरी में धुला धुला चलो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो बाय बाय शेयर कर दो शेयर भी कर दो कमेंट भी कर दो कमेंट भी कर दो सुबह के बज रहे हैं 4 ले रहे हैं और हम आए चाय पीने के लिए चाय की नींद भगाने का यंत्र है हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो गरम है गरम है तो हमारी काम हमें भी तो दो पापे खाओ पापे फाइनली हमारे हाथ में चाय आ गई बिस्किट भैया 11% दिए मुझे जो एक्स्ट्रा है ना 11% वो मुझे देना ठीक है डन 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 तो भाई नींद भगाने का यंत्र ये हमारे भैया इनका एड्रेस बता इनकी वो बता प्रमोशन करो प्रमोशन कर भैया की जूस की दुकान की शॉप का प्रमोशन कर भाई भैया आपने दुकान का एड्रेस बताओ कभी फरीदाबाद आओ हाँ तो सिर्फ जूस कॉर्नर 9 चौक पे जरूर आइएगा ये उनके ऑनर है मजाक कर रहे यार फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे में आ रहा हूँ और किस्मत इतनी अच्छी है डायरेक्ट शादी देख रहा हूँ गुरुद्वारे में वो भी समझे कि मैं अपने सोरे घर नहीं आई मैं अपने माता पिता के घर आई मैं इस तरह इतने किस तरह रहना है परिवार का किस तरह भला करना है ये जो बच्ची तो भाई शादी
हो गई है सर्व संपन्न सोने सस्त्रीय का।